गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शाइनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है मंथली फेवरेट्स वीडियो। मतलब फरवरी मंथ में मैंने जो भी सारे नए प्रोडक्ट्स ट्राई आउट किए हैं, उनमें से जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके का वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड वीडियो पूरा अनएडिटेड रहेगा, मैं कोई कट वगैरह नहीं करने वाली हूँ। बिल्कुल रॉ चिट चैट काइंड ऑफ एक वीडियो है, जहां पर मैं काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर पाऊंगी आप लोगों के साथ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट प्रोडक्ट हैज टू बी दिस वन। ये एक किट मैंने परचेज किया है। लुक एट द बैग, ये बैग इतना खूबसूरत है। द कलर पैलेट इज सो अमेजिंग। आई मीन इसके अंदर सारे ही बहुत ही ज्यादा पेस्टल कलर्स है, जैसे कि ये बेबी पिंक एंड दिस येलो कलर। सो ये बैग की वजह से ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बैग की वजह से ही मैंने इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया है। ऑल्सो मुझे एक, अभी देखिए समर्स आर ऑलमोस्ट हियर, तो समर सीजन में सनस्क्रीन वगैरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ना एक प्लान कर रही थी कि मैं टीनेजर्स के लिए कुछ सनस्क्रीन रिकमेंडेशन एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, तो मैं डेफिनेटली वीडियो शेयर करूंगी। सो आई वॉज प्लानिंग लाइक दिस कि मैं दो तीन ब्रांड्स के अलग अलग सनस्क्रीन ट्राई आउट करूंगी और आप लोगों के साथ कौन सा वाला अच्छा रहेगा टीनेजर्स के लिए वो मैं शेयर करूंगी। तो मैंने वाओ का भी एक सनस्क्रीन ट्राई किया है, वो भी काफी अच्छा है। और फिर मैंने सोचा कि इस ब्रांड का सनस्क्रीन ट्राई करते हैं, क्योंकि इस बैग के साथ एक कॉम्बो मुझे मिल रहा था, विच इज वन सनस्क्रीन एंड एक फेस क्लेंजर। तो आई थॉट ओके, सनस्क्रीन तो मैं वीडियो बना लूंगी, ट्राई भी कर पाऊंगी। और फिर क्लेंजर, मैंने कभी ना ऐसे फेस क्लेंजर इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने फेस वॉश काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन जो फेस क्लेंजर्स होते हैं इस तरीके का क्लेंजर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सो मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई दैट वन, तो इससे भी काफी ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर पाऊंगी। तो ये जो बैग है ना, इसका साइज मुझे लगा था छोटा होगा। जब इंस्टाग्राम पर आप स्क्रॉल करते हैं ना अपने फीड पर, तब मैंने इसका एक एड देखा था, जहां पर ये बैग था और दो, एक सनस्क्रीन और एक फेस क्लेंजर था। उस टाइम मुझे लगा लेट मी ट्राई दिस वन। और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि बैग काफी ज्यादा छोटा आएगा, बट बैग की साइज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट ट्रैवलिंग के वक्त इस तरीके का बैग हम लोग ट्रैवल कर ले सकते हैं। इसके अंदर जो एसेंशियल है, स्किन केयर या मेकअप एसेंशियल्स, तो ये पाउच बहुत अच्छा है। ओके, सो इसके अंदर है ये सनस्क्रीन एंड ये वाला फेस क्लेंजर। सो द कलर पैलेट्स आर रियली कूल। मतलब इस तरीके का प्रोडक्ट्स मैंने पहली बार देखा है एंड दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज किया है। सो ये जो सनस्क्रीन है ना, इसके अंदर है SPF 50 का प्रोटेक्शन और PA++ का प्रोटेक्शन। मतलब मैंने ये सब पढ़ा भी नहीं था, आई जस्ट डायरेक्टली स्टार्टेड यूजिंग दिस सनस्क्रीन एंड मुझे ये सनस्क्रीन काफी अच्छा लग रहा है। आई मीन लुक एट द कलर, कलर भी बहुत क्यूट है। एंड ज्यादातर मैं पहले न्यूट्रीजेना का सनस्क्रीन इस्तेमाल करती थी, उसके बाद मैंने जैसे कहा वाओ का एक सनस्क्रीन मैंने ट्राई किया है, वो भी काफी अच्छा है, उससे भी मेरे स्किन पर ब्रेकआउट नहीं हुए एंड इस सनस्क्रीन को भी इस्तेमाल करके मेरे स्किन पर ब्रेकआउट वगैरह नहीं हुआ है। सो बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है एंड या आई एम टोटली इन लव विद दिस सनस्क्रीन। नेक्स्ट ये जो क्लेंजर है ना, ये क्लेंजर पहली बार मैंने किसी क्लेंजर को ट्राई किया है एंड ये बिल्कुल भी फेस वॉश जैसा नहीं है, बहुत ही वाटर बेस्ड है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो कि सारे क्लेंजर्स इस तरीके के होते हैं कि नहीं, बट इसका फॉर्मूला मुझे काफी अच्छा लगा। सो या अगर आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैं शायद कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, बट ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड नेक्स्ट मैंने इस तरीके का एक और पाउच में मुझे ना हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिल रहे थे और ये ब्रांड है ट्राइको एच, आई एस ट्राइको एच। और इस ये भी बैग, ये पाउच भी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड इनका जो मटेरियल है ना, दैट्स ऑल्सो रियली गुड। और इसके अंदर मुझे हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिले, विच इज दिस शैम्पू, कंडीशनर एंड वन हेयर सीरम। तो मुझे ना काफी सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करना होता है आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए, और मैं टीनेजर के लिए स्पेशली काफी सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई भी कर रही हूँ एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। सो ये जो शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम है ना, ये बहुत छोटे छोटे पैकेजिंग में है एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है ये जो पूरा किट है वो, क्योंकि एक तो आपको पाउच मिल रहा है, उसके साथ शैम्पू, कंडीशनर, सीरम भी मिल रहा है एंड ये है ट्राइको एज ब्रांड। तो अगर आप इस ब्रांड को ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने जहां से परचेज किया है उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो।
सो ये जो शैम्पू है आप लोग देख सकते हैं इसका साइज, और मैंने यहाँ तक इसे इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है। सो ये शैम्पू बहुत ही माइल्ड है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो कंडीशनर है वो भी इसी तरीके का एक पैकेजिंग में है, तो ये कंडीशनर है। अभी तो कंडीशनर मेरे बाथरूम में है एक्चुअली, मैं उसे लाना भूल गई, बट द कंडीशनर इज ऑल्सो रियली गुड। और सीरम जो है ना ये एकदम छोटू सा एक बॉटल में आया है, तो ये सीरम भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ना ये हेयर को काफ़ी ज़्यादा सिल्की बनाता है, मैनेजेबल बनाता है। सो एंड यू कैन सी द पैकेजिंग इज सो क्यूट। सो या अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग से, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, ये मेरे टॉप लिस्ट में है फेब्रुअरी मंथली फेवरेट्स में। नेक्स्ट जो रहेगा वो ऑब्वियसली ये जो लिपस्टिक है यही रहेगा, बिकॉज ये जो लिप शेड मैंने अभी वेयर भी किया है आप लोगों के साथ, मैंने अपनी लिपस्टिक जो वीडियो मैंने शेयर किया था लिपस्टिक्स अंडर 200 रुपीस, उसमें भी मैंने इस लिप शेड को शेयर किया था। ये है कैलस एंजल्स, मतलब CAL लिपस्टिक, बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला है। एंड आई लव बुलेट लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बुलेट लिपस्टिक्स अच्छे लगते हैं। मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक एक है जिसका ऑलरेडी मैंने घटिया एक्सपीरियंस है, और मैंने शेयर भी किया है मेरे लिपस्टिक्स वीडियो में, वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। सो इसका पैकेजिंग से लेकर इसका फॉर्मूला, इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा। सो या ये सेकंड नंबर में आएगा। नेक्स्ट मैं शेयर करने वाली हूँ एक थोड़ा सा अलग चीज, वो हेयर एक्सेसरी है विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ। तो ये जो हेयर एक्सेसरी है ये मैंने ऑनलाइन स्टोर से नहीं परचेस किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं देन यू ऑल नो कि हमारे यहाँ पर एक मेला लगता है एवरी ईयर दिस टाइम, तो मैं उस मेला पर हर रोज लगभग जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में ही है। और मेरी जो दीदी है जिन्हें आप लोगों ने दिवाली व्लॉग में देखा होगा शायद, तो वो मेरी मामा के बेटी है। ओके सो दिवाली व्लॉग में मैंने उन लोगों के साथ व्लॉग भी किया था, आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो शी जस्ट गिफ्टेड मी दिस वन उस मेले से, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो इसकी क्वालिटी एंड इसके डिजाइन बहुत अच्छे लगे। एंड आप लोग भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये हेयर एक्सेसरी मेरे हेयर पर कैसे लग रही है, एंड मैं किस तरीके से और किस तरीके से इसे स्टाइल कर सकती हूँ। सो ये मेरे टॉप लिस्ट में है, अभी ही मुझे मिला है ये, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस, एंड मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी एंड इसका लुक। सो या ये मेरे फेवरेट लिस्ट में है, इसका तो लिंक मैं नहीं दे सकती बट इस तरीके का क्लिप्स का मैं लिंक दे सकती हूँ। नेक्स्ट एक वाउ स्किन साइंस का मैंने ये माइसेलर वाटर ट्राई किया है। सो इसका ना ऑलरेडी मैंने एक बॉटल ट्राई किया था पहले, वो बॉटल हाफ से भी ज़्यादा हो गया था ख़त्म, फिर गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, बट ये मैंने नया परचेज किया है। एंड इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है ऑलरेडी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से ये फेस से जो भी मेकअप है डॉट है उसको मेल्ट कर देता है, और आप कॉटन या किसी भी वाइप से अगर वाइप करेंगे फेस को तो इजीली रिमूव हो जाता है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। बट ये थोड़ा सा आईज को इरिटेट करता है, मेरी आई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई मे बी ये थोड़ा सा इरिटेट करता है, बट नेवरदलेस इट इज़ रियली गुड मेकअप रिमूवर और माइसेलर वाटर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये वाला मंथली फेवरेट एंड चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो आप सबको अच्छा लगा। ऑल्सो एक मैं अपडेट देना चाहती हूँ कि मेरा जो सेकंड पेमेंट है YouTube का वो मुझे रिसीव हो गया है, एंड मैं आप लोगों के कल ही मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ सेकंड पेमेंट के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो शेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर रिक्वेस्ट आए तो ही मैं शेयर करूँगी। और मेरा जो पूरा प्रोसेस है किस तरीके से मुझे रिसीव हुआ, कितना पेमेंट रिसीव हुआ, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट पेमेंट का वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, बट अभी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स डिस्क्लोज कर रहे हैं पूरा नंबर्स, तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी अपना जो सेकंड पेमेंट रहेगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और सेकंड पेमेंट का जो पूरा डिजिट है कितना मिला है वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगी, उसके साथ मेरा फर्स्ट पेमेंट का भी मैं डिस्क्लोज करूंगी, ऐसा मैंने सोचा है। बट अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।